सोशल मीडिया पर चल रहा है जबरदस्त ट्रेंड, मैं भी रविंद्र सिंह भाटी हैशटैग के साथ किया जा रहा है ट्रेंड। रविंद्र भाटी के निर्दलीय नामांकन के बाद बना माहौल, शिव में जनता का दिखाई दिया था जबरदस्त क्रेज, संबोधन सभा में भी पहुंचे थे 10,000 के करीब लोग। अमूमन नेताओं को बुलाना पड़ता है भीड़ को सभा में, लेकिन रविंद्र भाटी के क्रेज में वहां दिखाई दिया असली समर्थन। ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी माने जा रहे हैं शिव की रेस में आगे। हालांकि उनके अलावा दो और राजपूत नेता हैं मैदान में, इसकी वजह से राजपूत वोटों के बंटने का लग रहा डर और इसकी वजह से अमीन खान को मिल सकता है फायदा। इन सब के बीच ये भी माना जा रहा है कि भाटी ले सकते हैं पर्चा वापस, जबकि भाटी के समर्थक कह रहे हैं कि वो लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। अब ये तो परिणाम बताएगा कौन जीतेगा, लेकिन भाटी ने शिव की जनता का दिल जीत लिया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है जबरदस्त ट्रेंड, मैं भी रविंद्र सिंह भाटी हैशटैग के साथ किया जा रहा है ट्रेंड। रविंद्र भाटी के निर्दलीय नामांकन के बाद बना माहौल, शिव में जनता का दिखाई दिया था जबरदस्त क्रेज, संबोधन सभा में भी पहुंचे थे 10,000 के करीब लोग। अमूमन नेताओं को बुलाना पड़ता है भीड़ को सभा में, लेकिन रविंद्र भाटी के क्रेज में वहां दिखाई दिया असली समर्थन। ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी माने जा रहे हैं शिव की रेस में आगे। हालांकि उनके अलावा दो और राजपूत नेता हैं मैदान में, इसकी वजह से राजपूत वोटों के बंटने का लग रहा डर और इसकी वजह से अमीन खान को मिल सकता है फायदा। इन सब के बीच ये भी माना जा रहा है कि भाटी ले सकते हैं पर्चा वापस, जबकि भाटी के समर्थक कह रहे हैं कि वो लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। अब ये तो परिणाम बताएगा कौन जीतेगा, लेकिन भाटी ने शिव की जनता का दिल जीत लिया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है जबरदस्त ट्रेंड, मैं भी रविंद्र सिंह भाटी हैशटैग के साथ किया जा रहा है ट्रेंड। रविंद्र भाटी के निर्दलीय नामांकन के बाद बना माहौल, शिव में जनता का दिखाई दिया था जबरदस्त क्रेज, संबोधन सभा में भी पहुंचे थे 10,000 के करीब लोग। अमूमन नेताओं को बुलाना पड़ता है भीड़ को सभा में, लेकिन रविंद्र भाटी के क्रेज में वहां दिखाई दिया असली समर्थन। ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी माने जा रहे हैं शिव की रेस में आगे। हालांकि उनके अलावा दो और राजपूत नेता हैं मैदान में, इसकी वजह से राजपूत वोटों के बंटने का लग रहा डर और इसकी वजह से अमीन खान को मिल सकता है फायदा। इन सब के बीच ये भी माना जा रहा है कि भाटी ले सकते हैं पर्चा वापस, जबकि भाटी के समर्थक कह रहे हैं कि वो लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। अब ये तो परिणाम बताएगा कौन जीतेगा, लेकिन भाटी ने शिव की जनता का दिल जीत लिया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है जबरदस्त ट्रेंड, मैं भी रविंद्र सिंह भाटी हैशटैग के साथ किया जा रहा है ट्रेंड। रविंद्र भाटी के निर्दलीय नामांकन के बाद बना माहौल, शिव में जनता का दिखाई दिया था जबरदस्त क्रेज, संबोधन सभा में भी पहुंचे थे 10,000 के करीब लोग। अमूमन नेताओं को बुलाना पड़ता है भीड़ को सभा में, लेकिन रविंद्र भाटी के क्रेज में वहां दिखाई दिया असली समर्थन। ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी माने जा रहे हैं शिव की रेस में आगे। हालांकि उनके अलावा दो और राजपूत नेता हैं मैदान में, इसकी वजह से राजपूत वोटों के बंटने का लग रहा डर और इसकी वजह से अमीन खान को मिल सकता है फायदा। इन सब के बीच ये भी माना जा रहा है कि भाटी ले सकते हैं पर्चा वापस, जबकि भाटी के समर्थक कह रहे हैं कि वो लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। अब ये तो परिणाम बताएगा कौन जीतेगा, लेकिन भाटी ने शिव की जनता का दिल जीत लिया है।